सो गाइस अभी हम आ गए हैं इंडिया गेट, वो भी इंदौर के लखनऊ में आई हुई हो तुम इंदौर के जो भूतिया गढ़ जो बताते हैं ये है पीछे मुंह कैसे उतरो भाई तो फिलहाल मैं नंबर लेके नहीं आया, कौन सा नंबर कितने का बिका है मैं अभी रात तक बताते आ जाओ, थोड़ा बहुत हम क्या मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो रखा है। ओ भाई लिट्टी चोखा खिलाते तो मैं आ जाओ सब वो ठीक हो जाए, लिट्टी चोखा लगा दूं खड़ी। क्या करोगे नंबर का कैसे करोगे? अब यहाँ पे मिल रहा था बट जो बिडिंग हुई ना वो मेरी औकात से कहीं बढ़ गई थी। हाँ क्योंकि भाई मेरी जमीन नहीं है जो मैं बेच बेच के ले आऊं। ठीक है भाई, यहाँ भाई खुद कमाना पड़ता है। हाँ जी कैसे भैया, क्या हाल है? इतना घी डलता है, क्या सोच रहे हो तुम? मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ ये लिट्टी चोखा। भैया मोरे राखी के बंधन को निभाना। बहुत बहुत ये आ गया ट्रांसपोर्ट नगर। कैसे कैसे नाम है यहाँ पे जगह के? ट्रांसपोर्ट नगर और ट्रांसपोर्ट नगर है अपना 30,000 ही है। बस बेटा बेटा शांत। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। सो गाइस अभी हम आ गए हैं इंडिया गेट, वो भी इंदौर के लखनऊ में आई हुई हो तुम इंदौर के। भाई मैं ना भाई मेरे को बाहर निकाल, मैं टॉलरेट कर ही नहीं। अरे मैं तो खो गया, हम आए लखनऊ के नहीं गेट में, इंदौर है हम। सॉरी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, हो जाता है कभी कभी। सो गाइस अभी हम आए हैं छोटा इमाम बाड़ा वो एक क्लॉक टावर, एक तरीके से इंडिया गेट है भाई हमारे। हाँ दिल्ली के इंडिया गेट जैसा है ये, सारे टाइम पास करने आते हैं। हाँ ये देखो सारे के सारे। तो तुम पहले आए हुए हो यहाँ पे? मैं पहले 4-5 बार आ रखा हूँ मैं तो यहाँ पे। अच्छा हाँ, तो मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, तो अच्छा है, अलग चीज़ है। ये देखो पीछे वाला 5 बीवियों के साथ बैठा है। समझ रहे हो? देखो मैं दिखाती हूँ, देखो वो हस्बैंड और वो 4 वाइफ और एक बच्चा। अभी देखते हैं कुछ अच्छा अच्छा खाते हैं, देखते हैं लखनऊ में क्या है, लखनऊ वासी हो या अच्छा। अभी ट्राई करेंगे, रिव्यू करेंगे उनका। तो थोड़ा हम यहाँ पे घूमते हैं, देखते हैं क्या चीज़ है। और मतलब सामने भी एक अच्छी सी चीज़ दिखी है मुझे, देखो ये बहुत अच्छा सा कुछ बना हुआ है, ये मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो भाई ये देखो देख जी करके चल ले आए पूरे, ये भाई आ गए, ये मजा आ गया ब्रो। वो तो अच्छा है मीटअप नहीं करा, नहीं तो मीटअप करते गलत सीन हो जाता। हां वो तो बस यहां आ गए थे घूमने क्लॉक टावर पे थोड़ा। सो अभी यहां पे चल गया है ये लाइट शो, यहां पे चल रहा है, बहुत सुंदर है ना यार, सुंदर लग रहा है भाई। लखनऊ का सुंदर सिटी होगा, मेरे को कोई आईडिया नहीं था बट आज पता लग रहा भाई हमारा यूपी कितना तरक्की कर रहा है भाई। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं भी यूपी से हूँ, मैं मथुरा से हूँ भाई। गौरव का कोई मीटअप का प्लान नहीं था लेकिन है ना हो गया वो, और है ना अभी हम जल्दी से जा रहे हैं। लाइट शो हमने देख लिया, अब हम जा रहे हैं मार्केट में शायद एक्सप्लोर करने, है ना। तो अभी चलते हैं जल्दी से। तो भाई मेरे को जो सब्सक्राइबर मिले थे उन्होंने बोला था भाई एक बटलर पैलेस करके एक जगह है वो बहुत हॉन्टेड है, तो मेरे बस चुल हुई, मैं अंदर तो जा नहीं रहा, बस मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ क्या उसने सही बात बोली। मेरे बस उत्सुकता है देखने की, तो मैं कोई बुराई नहीं कर रहा ना कुछ, बस मैं बाहर से देखूंगा और देख के बताता हूँ आपको भी कि कैसा लग रहा है उसको देख के। तो लोकेशन में लगाइए बस वो है, अब खाली है सरकारी एरिया है बस यही है। वो जो घर बताते हैं हॉन्टेड घर कौन सा है, वो जो भूतिया घर जो बताते हैं ये है पीछे। एंट्री कहाँ से इसका, गेट वेट है वो कुछ ऐसा है बॉस, बहुत बड़ा सा जंगल है पीछे तक। अच्छा और ये देखो पीछे सरकारी एरिया, तो कुछ ऐसा है। और ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भैया मैं बिल्कुल अंदर नहीं आ रहा, अंदर जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। बट अंदर कुछ लोग तो गए हुए हैं, देखो रास्ता तो बना हुआ है बॉस, है ना। हाँ हो सकता है कुछ भी हो,
कि अंदर जाना सख्त मना है, यहाँ भी लिखा हुआ है जो चीज़ मना है तो भैया नहीं जाना तो नहीं जाना। अब भैया ये हॉन्टेड है क्या है मैं कुछ नहीं बोलूंगा ना, मेरे को पता है ऐसे लखनऊ वासियों ने बोला तो मैं देखने आ गया बस। पता है यहाँ पे कुछ है तो सही, क्या क्योंकि देखो गेट के बिल्कुल सामने देखो मंदिर जैसा ऐसा बना रखा है। हाँ ये तो पूजा वूजा करने आते हैं। हाँ, तो, तो मैं गूगल पे पढ़ूंगा भैया यूट्यूब पे कि क्या है इसके बारे में। सो अभी हम आए हैं लखनऊ के बिल्कुल फेमस टुंडे कबाब रेस्टोरेंट में। देखते हैं कुछ वेज तो होगा यार। नॉन वेज खाओगी क्या? वेज मैं वेज। नॉन वेज बंद कर दिया तुमने? हां हां शुरू कर दिया इन्होंने दोबारा। अच्छा, नहीं किया नहीं किया। तो मैं मतलब है ना पहले बहुत एक्साइटेड थी कि ना मतलब कि सोचती थी कि ना लखनऊ के ना कबाब खाऊंगी लेकिन अब मैं नहीं खाऊंगी। चलो कोई नहीं, वेज खाते हैं। यहाँ पे सारा ना मतलब है ना रिजर्व रहता है और है ना सीट के लिए यहाँ पे है ना मतलब की वेट करना पड़ता है। ये देखो बिरयानी। सो गाइस अभी हमने चेकिंग कर लिया है होटल में और हम आगरा में आ चुके हैं। सारी फॉर्मेलिटीज आकाश पूरा कर रहा है और हम जा रहे हैं रूम की तरफ और हम भी अपने अपने सारे रूम में जा रहे हैं। मैं कितनी प्रीटी लग रही हूँ? बहुत ज्यादा लग रही हूँ बेटा, यार कमेंट में बताओ सही में प्रीटी लग रही है नहीं लग रही। कौन सी नदी है ये? यमुना जी। यमुना जी। तो आज तो फ्राइडे ताजमहल बंद है आज के दिन। अफसोस इतनी दूर लाके भी है ना ताजमहल नहीं देखा पास से। मनीषा ने बचपन में देखा था जब वो छोटी पाछी थी। हाँ, उस एरिया में जाके मुझे ना मेरे बचपन की याद मतलब अच्छा। की याद आई थी कि ना हाँ मैं यहाँ से मैं निकली थी ऐसे ऐसे। हाँ तो अभी हम जा रहे हैं मेहताब बाग ले आता हूँ। मेहताब बाग आकाश को हैंटर चले। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। यार असली में चिपका दो। तुम निकालो यार, तुम निकालो भैया, मैं निकालूंगा। मनीषा ने गौरव जोन को मारे कोड़े। तो ये सारी साइकिल ले ली है हमने, टेक ओवर कर ली है और अभी हम जाएंगे मेहताब बाग साइकिल से। तो ये भाई मोटो व्लॉगिंग हो रही है बढ़िया साइकिल। ओए गोली शूट करते करते है ना मेरे को गिरा मत देना। 10 रुपए बचा लिए और बच्चों के साइकिल लेके 10 रुपए बचाए। अच्छा लग रहा था ताजमहल के पास में साइकिल चला के। हाँ मजा आ गया। भाई अंदर तक चली जाएगी साइकिल? नहीं अंदर नहीं आने देंगे साइकिल नहीं आने। स्लो कर ले थोड़ी सी स्लो कर ले। साइकिल पे सबकी गैंग जा रही है और अच्छा लग रहा है। यहाँ तक ही है बस, बच्चों की गैंग के साथ मजा आ गया। तो यहाँ पे एंट्री के लिए इसमें टिकट भी है, कितने रुपए की है? ये है 25 रुपीज इंडियन का। हाँ हाँ विदेशी का है 300 रुपए। वो ब्राउन शर्ट वाले भैया ने ना हमें पैसे दे दिए टिकट के। हाँ भाई यहाँ पे पेटीएम था, पेटीएम में क्या लंबा फॉर्म भरना पड़ रहा है। बहुत बड़ा फॉर्म था। वो बोल रहे हैं क्या पेटीएम करोगे, ये ले जाए भी दूर से आया घूमने के लिए और पैसे ऐसे दे दिए उन्होंने। चलते चलते कितना अच्छा व्यू मिला है ताजमहल इतनी पास। बहुत ताजमहल और सारे यहाँ पे इंडियन और फॉरनर सारे यहाँ पे मतलब की व्यू देखने के लिए आते हैं ताजमहल का। कैसा लगा? बहुत बढ़िया, लड़कियाँ ताड़ रही हैं पीछे वाली दिखाना। सो फाइनली हम आ गए हैं गौरव का नंबर लेने, नहीं सॉरी गौरव की गाड़ी का नंबर लेने के लिए। तो कौन सा नंबर लेने वाले हैं हम? अभी पता लग जाए मात्र 5 मिनट में। आज 5 मिनट के अंदर पता लगेगा। यहाँ से आई थी गौरव की थार, तो ये रही रेड कलर की थार। जो बुलेरो है ना, और ये बुलेरो ये जो ये है ये पुराने वाला है, इसमें एक और नया वाला। अच्छा वो क्या हुआ, वो ज़्यादा बिका नहीं इसलिए इन्होंने दोबारा पुराने वाले लुक में निकाल दिया, क्योंकि ये है ना बहुत मतलब हैवी से बना। ये वाली बुलेरो मतलब मोस्टली ना राजस्थान में देखने को मिलती है, मैंने मतलब वहीं देखे। और मनीषा वो लेगी आने वाले टाइम, ये मैं आने वाले टाइम पे बड़ी होकर ये लेना चाहती हूँ। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। इसलिए इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन भी जरूर क्लिक कर दिया करो, जिससे मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। नंबर आ रहा है, वो आ रहा चलते हुए नंबर आ गया क्या? अभी भी सस्पेंस। थैंक यू सो मच नंबर के पीछे, भाई मैंने बहुत ज्यादा धक्के खाए।
पहले मैं गया लखनऊ, फिर मैंने इनसे बोला भैया मेरा नहीं हो रहा, फिर इन्होंने आगरा से अरेंज करके दिया। इतनी खुशी, मतलब ब्लश कर रहे हो यार। सही बात है भाई, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी ब्रांड न्यू गाड़ी ले पाऊंगा। मेरा यही था भैया पैसे जोड़ो, सेकंड हैंड गाड़ी लो, चला चलो मुझे। हर भाई जिस पे पैसा कम होता है शौक करने तो ये करता है, सेकंड हैंड लेता है। बट भगवान की दुआ से भाई आज मैंने नई गाड़ी ली और इस पर भी VIP नंबर ले रहा हूँ। जो लोग खरीदते हैं वो आज शौक मैं पूरे कर रहा हूँ, वो भी YouTube के माध्यम से देख रहे हो। नई गाड़ी में दिक्कत आ गई, वो एक वायर ढीली थी उसको टाइट कर रहे हैं। तो यही आप देखो, गाड़ी में तो जिंदगी भर आती रहेगी भैया, मूविंग पार्ट्स है। हाँ। तो गाड़ी एक ऐसी चीज है, हजारों पार्ट्स है इसमें, तो एक ना एक लूज टाइट चलता रहता है। हैं? पता नहीं भाई, वो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है। यार करती हूँ, क्या नहीं हो रहा यार? मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पे, लेकिन ना रिजल्ट नहीं आता। क्यों? ना ये ना सपोर्ट नहीं करते भाई। सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो, मेहनत कर रही है लड़की। हाँ। बट यार गलती तुम्हारी है, देखो मैं तो तुम्हारी, तुम अच्छा कंटेंट बनाओगी तो कंटेंट वायरल होगा ही होगा यार। अब सब्सक्राइबर को नहीं पसंद आ रहा है, उसके लिए कुछ रीजन है। हाँ। और भी तो व्लॉगर चल रहे हैं। ठीक है, ये मसाला देखना चाहते हैं, मसाला दिखाते हैं। हाँ, पुलिस ने पकड़ा, एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये सब दिखाओ। चलो तब आएंगे अच्छा आग से। ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया है गाड़ी का नंबर और अभी हम चलते हैं घर। टाइम नहीं, लेकिन सबसे पहले कुछ खाएंगे हम, क्योंकि ना हमने ना रात हो गई है घूमते घूमते और हमने कुछ नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? हाँ, जो गाइस मुझे लग रही थी भूख, तो अभी हम रुके हैं कहीं पे, तो मैंने बर्गर तो बहुत जल्दी जल्दी खा लिया। तो और ये है टिक्की, मथुरा की फेमस टिक्की। तुम्हारी फेवरेट है ये यहाँ की? सो ये मथुरा की रोड है और ये है होली गेट, और हम खाने जा रहे हैं ब्रिजवासी के छोले कुलचे। गौरव के अकॉर्डिंग ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हम भी टेस्ट करके लेंगे। छोले कुलचे अमूल बटर डाल के। अमूल बटर डाल दो। अच्छा कुलचे भी है, ये पनीर कुलचा है, ये सादा कुलचा है। पनीर और पनीर डल रही है यहाँ पे कुलचों के ऊपर। अच्छा, ऐसा दिल्ली में तो मैंने देखा नहीं है, उसमें भी काफी ज्यादा अच्छे है। सो गाइस अभी हम आ गए हैं घर की तरफ। हाँ जी, तो कैसे रही छोटी सी ट्रिप? छोटी सी ट्रिप बहुत अच्छी रही, लेकिन है ना मुझे ऐसा लग रहा था मुझे पहाड़ दिखेंगे यार। मुझे मतलब क्या ना, मैं ऐसे ही ना, मतलब हमारी गलती नहीं है। सही बात है, तुम कहीं बाहर नहीं थी। नहीं, मेरा मतलब ऐसा था कि बाहर हम जाते हैं ना हमेशा, तो ना यार पहाड़ वगैरह दिखते हैं। इस वाली ट्रिप में मुझे पहाड़ नहीं दिखे, तो इस बार हम स्नो में चलेंगे। थार को लेकर नहीं था, स्नो में ड्राइव लेंगे, स्नो में कैसे परफॉर्मेंस है नई थार की। हाँ। और देखेंगे कि चलेगा या तो स्पीति साइड चलेंगे या कहीं चलेंगे, तो स्नो में लेके चलेंगे। हाँ। तो मतलब कि इस छोटी सी ट्रिप में ना, मतलब ये 4x4 के जो गियर है ना, ये आपके यूज भी नहीं हुए हैं। हाँ। है ना, तो अभी ट्राई करना नए नए पड़े हैं। हाँ, तो ऐसे ट्राई करना बनता है। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ। एक्चुअली मैं आ तो 12 बजे गई थी और अभी 1 बज रहा है। मैं आती थोड़ा ना सो गई थी, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कहीं बाहर जाते हैं ना हम, तो ना मतलब जैसे दिल्ली आने वाला होता ना, तो मैं ना नींद से आने लग जाती है, तो वही मेरे साथ हुआ था। अभी नींद आ रही थी, लेकिन अभी मुझे लग गया था थोड़ी सी, मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ी सी भूख, क्योंकि मैंने कुलचे वगैरह सब खा लिए थे। लेकिन ना मुझे ऐसा होता है घर पर आने के बाद कि मुझे घर का खाना पसंद है, तो अभी देखते हैं कि घर में मम्मी ने क्या बनाया, चल के देखते हैं। ये है सांभर और चावल, मम्मी ने ये बनाया था घर पे, तो अभी सांभर और चावल यही खाते हैं। मैं अभी सोच, वैसे रात को खाना नहीं चाहिए खाना, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं ना मतलब फोटो क्लिक कराते वक्त या रील बनवाते वक्त मैं ऐसे लंबी सांस करके ये ना पेट अंदर करूं। तो आने वाला व्लॉग में मैं सोच रही हूं कि ना मतलब जिम भी मैं जाऊं, जिम ज्वाइन करूं, तो ऐसे ही मेरे बड़े बड़े व्लॉग देखने के लिए और आगे वाले व्लॉग्स में क्या होता है उस चीज़ को जानने के लिए वीडियो कर दो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए, क्योंकि मेरे भी काफ़ी ज़्यादा ड्रीम है, जैसे कि आज गौरव ने अपनी कमाई से, आपकी अपनी इनकम से थार पे ऐसे इतना अच्छा नंबर लिया। तो मतलब देखो, सबके कुछ कुछ ड्रीम्स हैं, ऐसे मेरे भी हैं, तो उसको पूरा करने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। तो इस वीडियो को तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल का आइकन भी ज़रूर क्लिक करना है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।